हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंका यादव फिजिक्स ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो एंड द टॉपिक ऑफ टुडे वीडियो इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। टॉपिक इज क्लोज पैक्ड या क्लोज पैकिंग। टॉपिक इज क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो आज हम करेंगे क्लोज पैकिंग अलग अलग, कौन कौन सी, वन डायमेंशन में भी करेंगे, टू डायमेंशन में करेंगे और थ्री डायमेंशन में करेंगे। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, कि एमएससी के सिलेबस में तो नहीं है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे, है ना। तो उससे पहले हमें क्लोज पैकिंग पता होनी चाहिए कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है। तो देखो, क्लोज पैकिंग पहले करेंगे हम वन डायमेंशन में, फिर करेंगे टू डायमेंशन में और फिर थ्री डायमेंशन में। तो क्लोज पैकिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ठीक है, वो कैसे हैं, आपके हार्ड स्फीयर है, ठीक है। क्या मान के चलोगे कि जो आपके पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी सॉलिड को, वो पार्टिकल्स कैसे हैं, हार्ड स्फीयर्स हैं और जिनका साइज क्या है, सबका इक्वल, ठीक है, पहली बात मान ली। उसके बाद अब आपको करना है, बस यही एक अजम्पशन लेके चले हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उस वो का क्या मान लिया उनको, रिजिड स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। तो ये चीज़ लिख देते हैं, क्या किया हमने, लेट अस कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एज हार्ड स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब हम पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन की बात कर रहे हो तो क्या आती है, एक लाइन आती है, या बोल सकते हो एक रो आएगा, या फिर क्या आएगी, एक कॉलम आएगी, यही कह सकते हो। तो देखो, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है, इस पैकिंग में क्या करोगे, आप पार्टिकल्स को अरेंज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, पार्टिकल्स को अरेंज करोगे या तो रो में, या तो क्या कर दोगे, एक रो में, या फिर किस में, एक कॉलम में, ठीक है। और अरेंज किस तरीके से करना है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से क्या हो, जस्ट एडजॉइंट हो, बिल्कुल मिले हुए हो, नज़दीक नज़दीक हो, ठीक है, उनके बीच में क्या ना रहे, स्पेस ना हो, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन का मतलब आपने क्या किया कि आपने पार्टिकल्स को अरेंज किया है या तो एक रो में या फिर एक कॉलम में, क्योंकि वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। और अरेंज भी कैसे किया है कि ईच जो पार्टिकल है वो आपका क्या रहे, कॉन्टैक्ट में रहे किसी एडजॉइंट पार्टिकल, है ना। देखो, जैसे अगर मैं बताऊं, देखो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ये मान लो एक पार्टिकल, है ना, किसकी तरह मान के चले हो, रिजिड स्फीयर या हार्ड स्फीयर ऑफ इक्वल साइज, बनाते समय छोटे बड़े हो जाएं तो ध्यान रखना, लेकिन ये साइज क्या रहता है, इक्वल। जैसे ये देखो, अरेंज कर दिया मैंने, किस में अरेंज किया है, ये एक रो में अरेंज किया है इन पार्टिकल्स को, है ना। तो ये क्या है, देखो ईच पार्टिकल, भाई इधर भी होंगे और इधर भी होंगे, और ईच पार्टिकल मान लो मैंने ये उठाया, तो हर पार्टिकल क्या है, इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स नेबर्स या एडजेसेंट एटम्स, है ना। हर पार्टिकल अपने एडजेसेंट के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, उनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या बोलोगे, वो कैसे है, क्लोज पैक, ठीक है। तो ये फिगर किसकी बना दी मैंने, क्लोज पैकिंग किस में, इन वन डायमेंशन, यही हो गया ना भाई। तो क्या लिख, अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, इन क्लोज पैकिंग, क्या किया भाई, इन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन क्या किया, द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, हमने पार्टिकल्स को क्या किया है, अरेंज किया है इन सच ए वे दैट, किस तरीके से, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रो और कॉलम, ये भी लिखो साथ में, है ना, आर अरेंज्ड आइदर इन ए रो और कॉलम इन सच ए वे, इस तरीके से
कि दैट वन पार्टिकल या ईच पार्टिकल, दैट ईच पार्टिकल आपका क्या हो, इज इन कॉन्टैक्ट विद, इज इन कॉन्टैक्ट विद द एडजेसेंट टू पार्टिकल्स, एडजेसेंट टू पार्टिकल्स, यही तो होगा। वन डायमेंशन के केस में हर पार्टिकल आपका क्या होगा, दो पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में रहेगा। तो इसको क्या नाम दे दिया, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। ठीक है भाई, हो गया वन डायमेंशन की क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। नेक्स्ट बात आती है, क्या करेंगे हम, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। ठीक है, देखो वैसे तो काफ़ी पैकिंग होंगी, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। हमें HCP पढ़ना है ना, तो हमें HCP का आइडिया लेना है मेन तो। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। अब देखो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में क्या करोगे भाई, यहाँ पे तो एक रो थी, अब यहाँ पे क्या करोगे, एटम्स को पहले तो वही वन डायमेंशन की बनाओ आप। ये ऐसे ही था ना आपका वन डायमेंशन का, कि आपका हर एटम क्या था, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में था। ये एक वो थी, रो थी। अब सेकंड रो कैसे रखो, क्योंकि आपको टू डायमेंशन, सेकंड कैसे रखोगे कि जो आपके वॉइड्स बने हैं, देखो ये जो जगह खाली, या बोल सकते हो ये जो जगह खाली रह गई, ये या ये इसके क्या है, डिप्रेशंस है, है ना। जब दो इनको रखा तो इनके बीच में कुछ डिप्रेशन आया, ऐसे नीचे भी हैं ऊपर भी है, तो इनके बीच में सेकंड जो लेयर रखोगे वो कहाँ रखोगे, इनको कवर करते हुए, कि वो एटम्स क्या करें, इस डिप्रेशन को क्या कर लें, कवर कर लें। तो जो सेकंड लेयर रखी जाएगी वो कुछ यूं रखी जाएगी आपकी, देखो ठीक है, ये जो आपके स्पेस था उनको क्या कर दिया, कवर। अब तीसरी लेयर रखोगे इसके ऊपर एक और रो, तो वो कैसे, ये जो बने हैं आपके इनको कवर करे। तो थर्ड जो आएगा वो कैसे आएगा, टच करेंगे, ठीक है ना, थर्ड ये हो गई, खुद से बनाते चलोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, हो गया, ये क्या बन गई आपकी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। भाई क्या किया क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में, हमने एक रो के ऊपर क्या रखी, कोई दूसरी रो रखी, ठीक है। और दूसरी रो किस तरीके से रखनी है, दूसरी रो इस तरीके से रखनी है कि जो पहली रो में जो डिप्रेशन बने थे उनको क्या कर ले, वो कवर अप कर ले। फिर दूसरी रो के ऊपर हमने तीसरी रो रखी, वो कैसे रखी, जो दूसरी में जो डिप्रेशन बने वो उनको कवर कर ले। तो ये क्या बन गई आपकी क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, बन गई ना। ठीक है, अब देखो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन में क्या हुआ, आपके कोई एक एटम उठाओ, देखो वहां पे तो ईच एटम कितने के कॉन्टेक्ट में था, दो के में, यहां पे कोई एक एटम उठाओ, मान लो मैंने यही एटम उठा दिया, ठीक है, उठा लिया ये एटम, ये देखो डायरेक्ट कितने के कॉन्टेक्ट में, अभी देखो एक कॉन्टेक्ट गिन रहे हैं, दो, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, तीन है ना बिल्कुल इससे जुड़े हुए हैं, चार है ना, उसके बाद ये लो पाँच और ये लो छः। तो हर एटम ऐसे ही, आगे वाले भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ये तो जस्ट मतलब हमने जो है ना फाइनाइट उस पर बना दिया, अगर इनफाइनाइट उसमें होगा तो क्या होंगे, हर एटम कितने भी एटम उठाओगे वो हर एटम आपके कितने के कॉन्टेक्ट में होंगे, छः के। तो इसका मतलब देखो, जब आप हर एक इसके, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर, इसका, इसका, इसका और इसका, इनके जब सेंटर्स को मिलाओगे, देखो मिलाओ इससे इसके सेंटर को, ये भी मिला दिया, इनके सेंटर्स को आपस में मिलाया, तो भाई ये क्या बन गई बताओ, ये क्या बन गई, जब इनके सेंटर्स को मिलाने से ये एक HCP स्ट्रक्चर, हेक्सागोन बन गया ना। और ये रेफरेंस एटम उठाए कितने के कॉन्टैक्ट में है, छः के कॉन्टैक्ट में, और जब इनके सेंटर्स को मिलाया तो क्या बन गया, एक हेक्सागोन स्ट्रक्चर। तो ये क्या बन गई आपकी HCP, क्लोज्ड हेक्सागोन, सॉरी HCP स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन, बन गई ना। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन के बारे में लिख लेते हैं पहले, कि क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन क्या बनाई हमने, कैसे क्या कुछ किया, ठीक है ना, बाद में आपको याद रहे ना रहे तो लिखते चलो, ताकि एक बार पढ़ते ही फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखोगे इन HCP इन टू डायमेंशन, या फिर लिखोगे इन टू डायमेंशन, चलो यही लिखते हैं, इन टू डायमेंशन क्या लिया, वन रो ऑफ क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स, ऑफ क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स, एक जो रो थी क्लोज्ड पैक पार्टिकल्स की उसको क्या रखा, इज प्लेस्ड
अबाउ किसके, द अदर, अबाउ द अदर, यही किया था ना भाई। ये पहली रो थी, फर्स्ट रो थी, ये क्या थी, सेकंड रो थी। तो पहली रो के ऊपर क्या रखा, सेकंड रो को रखा, और किस तरीके से रखा, अबाउ द अदर सच दैट क्या हो जाए, द सच दैट द पार्टिकल्स ऑफ, सच दैट द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो, जो सेकेंड रो के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएं, फिट इन टू द डिप्रेशन ऑफ, फिट इन टू द डिप्रेशन किसके, ऑफ, इधर लिख लेते हैं, डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट रो, है ना, ऐसे ही तो रखा। सेकेंड रो के पार्टिकल्स को इस तरीके से रखा कि जो फर्स्ट रो में जो डिप्रेशन बने थे उनके अंदर फिट हो जाए। उसके बाद क्या किया, सिमिलरली, सिमिलरली थर्ड रो इज प्लेस्ड अबव सेकेंड रो, ये थर्ड रो है, अबव सेकेंड रो, किस तरीके से, सच दैट द पार्टिकल्स ऑफ थर्ड रो डिप्रेस्ड, वो क्या हो गई, या फिट इन टू रो, पार्टिकल्स ऑफ थर्ड रो फिट इन टू द डिप्रेशन ऑफ सेकेंड रो, है ना, जो सेकेंड रो में जो डिप्रेशन बने उनको क्या कवर कर ले, थर्ड रो के पार्टिकल्स को डिप्रेस कर ले। हो गया यहां तक, हो गई ना, ऐसे ही तो किया है। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने क्या फॉर्म कर दी आपकी, एक हेक्सागोनल क्लो। अब देखो एक और बात, इसमें जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट पार्टिकल्स होंगे वो सेम अलाइंड होंगे जो थर्ड के, जिस तरीके से सेकंड के अलाइंड होंगे फोर्थ की तरह, है ना, क्योंकि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर और सेम होंगी, सेकंड और फोर्थ, तो जो फर्स्ट के जो पार्टिकल्स है वो अलाइंड होंगे थर्ड की तरह, और सेकंड के पार्टिकल्स अलाइंड होंगे किसकी तरह, फोर्थ की तरह, ठीक है। तो ये और लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन टू डायमेंशन, या फिर क्या लिखें, लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ, ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट रो रो आर अलाइंड दैट ऑफ थर्ड रो, दैट ऑफ थर्ड रो एंड द पार्टिकल्स ऑफ, एंड द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड रो आर अलाइंड दैट ऑफ फोर्थ रो, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से आपके चलते जाएंगे, ये होगा ना, ठीक है। अब आपने एक ये और चीज लिख लेते हैं कि कोई एक रेफरेंस एटम उठाए वो कितने के कॉन्टेक्ट में था, 6 के में, ठीक है ना। अब लिखेंगे इफ द, आपने क्या लिया, ठीक है, एंड सो ऑन, सच दैट, किस तरीके से, सच दैट द पार्टिकल, दैट द ईच पार्टिकल हैज सिक्स, क्या होंगी, सिक्स इंटरमीडिएट, इमीडिएट नेबर्स, सिक्स इमीडिएट नेबर्स, ठीक है, हर पार्टिकल की कितनी नेबर्स होंगी, 6 नेबर्स होंगी, ठीक है, होंगी ना। और इफ द सेंटर, इफ द सेंटर ऑफ ईच नेबर, सेंटर ऑफ ईच पार्टिकल, या जो वो थी आपकी 6 नेबर्स, सेंटर ऑफ ईच पार्टिकल्स आर ज्वाइंड टुगेदर, आर ज्वाइंड टुगेदर, देन ये क्या बनाएंगी, इट विल फॉर्म, क्या बना रही थी आपकी, ए रेगुलर हेक्सागोन, ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दिया, दिस काइंड ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड टू डायमेंशन, और कैसी, एचसीपी, है ना, 2D HCP स्ट्रक्चर बना ली, आ गया समझ में। देखो यही तो लिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, क्या लिखा कि भाई जो फर्स्ट रो थी जैसे वन डायमेंशन में पैकिंग की, सेकंड रो इस तरीके से रखी जो फर्स्ट में वॉइड था उनको कवर कर ले, थर्ड रो ऐसे रखी कि जो फर्स्ट में जो सेकंड में जो डिप्रेशन था उनको कवर कर ले। अब इस केस में कोई भी एटम उठाओगे ना, हर एटम 6 के कॉन्टैक्ट में मिलेगा, बिल्कुल पास वाले, है ना, बिल्कुल उसके टच में हो, तो उन 6 के सेंटर्स को मिलाया तो क्या बना दिया उन्होंने, एक रेगुलर हेक्सागोन। तो ये क्या बन गई, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है, कैसी, HCP, हो गई 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन की, ठीक है। अब देखो 3 डायमेंशन, अगर ये आ गई तो 3 डायमेंशन इजी है,
मेन आपका काम है, यही समझना, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, ठीक है। अब भाई देखो, थ्री डायमेंशन में क्या हो गया, टू डी तक तो सेम बात थी, तो पहले हम टू डी तक की तो बना लेते हैं, है ना, फिर जाएंगे थ्री डी पे। तो टू डी तक की बनाने के लिए पहले मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या बनाती हूँ, टू डी तक की बनाती हूँ। एक रो बनाएंगे, है ना, ठीक है, ये बना दी, थोड़ी बड़ी बना देती हूँ, चलो। इसके जो डिप्रेशन बने उसके ऊपर सेकेंड रो, भाई पार्टिकल्स का साइज सेम रहता है, ठीक है ना, सबका सेकेंड रो बना दिया, ठीक है। इन सबका साइज सेम रहता है। अब तीसरी रो कहाँ आएगी, इनके ऊपर की, जो इसके जो वॉइड्स बने हैं या जो डिप्रेशन बने हैं इनको कवर कर ले, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक तो आपका क्या थी, वही है टू डायमेंशन, ये क्या है आपकी टू डी तक की है। अब देखो क्या बात थी हमारे पास। अब भाई एक बात नोट करो, देखो मैं मार्क करूँगी, ये दो लेयर को ही लेके चल रही हूँ, मान लो मैं ऊपर वाली को, ठीक है। ये आपकी क्या है, लिख लेते हैं, चलो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, ठीक है। ये इसको बोलेंगे कंप्लीट को ए लेयर, ये मान लो आपकी क्या है, ए लेयर है, ठीक है। अब आपके पास देखो, जब आप ए लेयर आपने पूरी बना ली तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि आप कहाँ कहाँ पे एटम्स को, अगली लेयर को कहाँ बनाओगे। देखो इनके सबके सेंटर्स देखो, पहले इसका सेंटर, इसका, इसका, ये हो गए इसके सेंटर, है ना, ये क्या हो गए, इनके सेंटर हो गए हर स्फीयर के। अब देखो इसमें दो टाइप की ट्राइंगल बनेंगी, पहली दो रो को ही देखते हैं, दूसरी और तीसरी को। देखो एक तो मैं बना रही हूँ ट्राइंगल ग्रीन रंग से, ये बनाई, ठीक है, ये बना दी, ठीक है, इनके सेंटर्स को मिला के जो ट्राइंगल बन रही है वो ट्राइंगल बनाई है पहले मैंने। तो ये सारी ट्राइंगल्स देखो, ये जितनी भी ट्राइंगल मैंने बनाई हैं, ये आपकी बनी है कौन सी, ये आपकी बनी है अपर बेस ट्राइंगल। बेस कहाँ है इनका, देखो ये बेस कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। एक तो ये बनी, और अब देखो मैं ये बनाऊंगी, ये वाली, ये देखो ये कौन सी बनी, लोअर बेस ट्राइंगल बनी ना, देखो ये ऐसे पेन ये यूं कर देती है ना। देखो दो टाइप की ट्राइंगल बन गई, एक अपर बेस ट्राइंगल बनी और एक लोअर बेस ट्राइंगल बनी, बनी कि नहीं बनी, बन गई ना दो टाइप की ट्राइंगल। देखो आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठो ताकि आप भी बना सको आराम से, है ना, इजी से। तो दो टाइप की ट्राइंगल बन गई अब आपके पास। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है कि मतलब आप दो लेयर रखोगे, देखो जो आपने, मैंने नाम दे दिया, जो आपकी अपर बेस ट्राइंगुलर है अगर इसके ऊपर तो एटम्स को रखोगे तो उसको नाम दोगे बी लेयर, ठीक है। और अगर ये लोअर बेस वाली के ऊपर अगर एटम्स को रखोगे, नीचे बेस वाली जिसका बेस नीचे की तरफ है, तो उसको नाम दे दिया मैंने सी लेयर, ठीक है। क्या कहा, अगर आपको अपर बेस ट्राइंगल जिनका बेस, जिन ट्राइंगल्स का बेस ऊपर की तरफ है, अगर उनको सेंटर मान के उनके सेंटर पे एटम्स को रखोगे तो वो देगी बी लेयर, लेकिन अगर लोअर बेस ट्राइंगल्स के ऊपर एटम्स को रखोगे तो वो क्या देगी, उसके ऊपर रखोगे तो उसको क्या नाम दोगे, सी लेयर, ठीक है। दो टाइप की पॉसिबिलिटी हो गई आपकी। तो देखो अगर मैंने, मान लो मैंने रखा बी वाले के ऊपर, ठीक है, मैंने रखा, पेन अलग चेंज कर लेती हूँ मैं, मैंने रखा इसके ऊपर, देखो इसको सेंटर मान के, ये कौन सी है, अपर बेस वाली है ना, यहाँ पे रखा, देखो भाई समझते जाना, इसको सेंटर मान के ये रख दिया, रखा एक एटम, आप भी रखते चलो साथ के साथ, इसका सेंटर ये है, इसको सेंटर मान के ये रखा, इसको सेंटर मान के ये रखा, इसको सेंटर मान के ये रखा, मैं जैसे बोलती जा रही हूँ आप वैसे ही रखते जाओ, आपकी बनती जाएगी फिगर, ठीक है, हो गया। अब इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी देखो, ये वाली तो बनेगी आपकी लोअर बेस, अपर बेस वाली चाहिए तो यहाँ पे आएगा आपका, आप किस पे बना रहे हो, अपर बेस वाली पे, हो गए अपर बेस वाले सारे कवर अप, ठीक है।
अब देखो अगर ये फिगर थोड़ी वो हो रही है डल, तो बाद दोबारा से एक बार क्लियर बना लेंगे, ठीक है? पहले समझ लेते हैं। अब आपके पास देखो ये बी लेयर तो बन गई। अब देखो ये जो इस बी लेयर की वजह से जो स्पेस बचा है ना, वो एग्जैक्ट वो है जो आपका सी का बचा था। अब इसके ऊपर एटम्स को रख दोगे तो वो क्या बना देगी आपकी सी लेयर। देखो अब मैं एक बार यहाँ पे क्लियर स्पार्कल, सिर्फ स्पार्कल पेन यूज करूंगी। देखो यहाँ पे फिगर को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है भाई? उसमें थोड़ा दिख नहीं रहा था। हो गई, बना दी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे दूसरा स्पार्कल, ये बन गई एक लेयर, ठीक है ना? बन गई ना, ये आपकी कौन सी लेयर बन गई? ए लेयर बन गई। अब देखो अब कौन से वाले, देखो मैंने कहा अब मैं इस वाले को, ये वाली कौन सी, इसको सेंटर मान के ये वाला जो अपर बेस वाली है, अपर बेस वाली पे ये रख दिया एटम, ये भी अपर बेस वाली है, ये रख दिया एटम। देखो अल्टरनेट आएंगे, ये भी अपर बेस है, देखो ऊपर वाली अपर बेस आएंगी, इसके नीचे वाली लोअर बेस, ये भी अपर बेस है, ये रख दिया, ये भी अपर बेस है, ये रख दिया, ये भी अपर बेस है, ये रख दिया, रखा। अब आओ इस पे नीचे वाली, इन दोनों में, इनमें देखो अपर बेस कौन सी है, ये वाली है ना, तो ये रख दिया, अपर बेस यही है, ये रख दिया, अपर बेस देखो इसमें यही है, ये रख दिया, अपर बेस यही है, तो ये रख दिया, रख दिए, दो लेयर बन गए ये और भी। अब सी लेयर देखो, अब सी लेयर कहाँ आएगी वो और चेक कर लो। देखो अब आपकी सी लेयर आएगी जो इसमें, देखो ये वही है बी और सी जो स्पेस, देखो ये वाले तो वॉइड्स बने थे आपके बी, और ये जो अब जो बनेंगे ये वाले कौन से थे, सी वाले जो लोअर बेस वाले थे, और ये ए थी, है ना? तो देखो अब सी वाले पे रख दो, ये रखा सी वाले पे, ये रखा सी वाले पे, ये रखा, और इधर सी वाले पे ये रखा। तो आपकी इस तरीके से क्या बन गई, तीन लेयर बनी, ए बी और सी। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये आप बनाओगे आराम से बन जाएगी, अगर मैं देखो शो करना चाहूँ यहाँ पे, मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशंस थी, क्या थी, मेरे पास ए लेयर थी, ए पे जाने के बाद मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आई, या तो मैं बी पे जाऊँ या मैं सी पे जाऊँ, ऐसा ही हुआ। फिर से मैं बी पे जाऊंगी, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी, या तो मैं सी पे जाऊंगी या मैं ए पे जाऊंगी, ठीक है? फिर से सी पे जाने पे मेरे पे ए पे जा सकती हूँ या बी पे। अब देखो सेम ऐसे ही, अगर मैं ए पे आ गई तो या तो मैं जा सकती हूँ बी पे या मैं जा सकती हूँ सी पे। सी पे जाने के बाद मैं फिर से ए पे जा सकती हूँ या फिर बी पे जा सकती हूँ, ठीक है? अब फिर से बी पे जाने के बाद मैं या तो सी पे जा सकती हूँ या फिर ए पे जा सकती हूँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास, यही कुछ बनता है। तो देखो इस तरीके से आपके पास कौन कौन सी बनती है, देखो आपके पास चूज करें अगर हम, तो ये भी बन सकती है, ए बहुत सारी बनेंगी, ए बी ए बी, ये भी बन सकती। इस तरीके से रखना है कि दो एक साथ ना आए, ए ए नहीं आना चाहिए, बी बी सी सी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो या तो ए बी बनी है ना, या फिर ए सी बी, ये बी ए, मतलब जब आप क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन करते हो तो आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन नेचर में जो प्रीफर, जो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, वो या तो करती है ए बी ए बी टाइप, या फिर एग्जिस्ट करती है, देखो ये तो ए बी हो गई, या फिर आपकी एग्जिस्ट करती हैं, इधर आओ आप देखो ए बी सी, फिर से ए बी और सी आएगा, या तो आपकी एग्जिस्ट करती है ए बी, या फिर एग्जिस्ट करती है ए बी सी, ठीक है? तो आपने क्या पढ़ा, थ्री डायमेंशन में हमारे काम क्या है, दो में से, नेचर में जो मैं मोस्टली एग्जिस्ट करती हूँ वो या तो ए बी सी या फिर ए बी, ठीक है? तो अब पहले इसी के लिए लिखते हैं थ्री डायमेंशन के केस में जो हमने किया है। देखो क्या किया हमने, इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके अगर समझ में ना आया तो दोबारा से देख लेना। इन केस ऑफ थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन के केस में क्या किया, टू काइंड ऑफ voids, दो इन जो empty space होता है इनको क्या नाम देते हैं, voids, two kind of voids हुए है ना, कौन कौन से, centered on, आपके कौन कौन से centered, एक तो on an upward triangle, ठीक है, या फिर और centered
ऑन डाउनवर्ड ट्राइंगल, यही था ना? ठीक है, या तो अपवर्ड वाले या फिर डाउनवर्ड वाले। तो इसका मतलब या तो इसको मान लो बी दे दो या सी, ठीक है, इस दो पॉसिबिलिटी आई। इसका मतलब द नेक्स्ट प्लेन ऑफ स्फीयर, प्लेन ऑफ स्फीयर, यहाँ पे मान लो अगर ये सेंटर्ड अपवर्ड वाली को ए नाम, बी नाम दे दिया, और जो डाउनवर्ड वाली को सी, ठीक है। द नेक्स्ट प्लेन ऑफ स्फीयर कहाँ पे रखी जाएगी? द नेक्स्ट प्लेन ऑफ स्फीयर कैन बी प्लेस्ड आइदर ऑन बी या फिर और सी, दोनों पे नहीं रख सकते, बी और सी पे एक साथ नहीं, या तो बी पे रखोगे या फिर सी पे, ठीक है, नॉट ऑन बोथ। ओके, सो व्हेन वी बिल्ड अप, सो व्हेन वी बिल्ड अप, क्या कर रहे हैं, द स्टैकिंग, ठीक है, इन थ्री डायमेंशन आफ्टर ए लेयर, आफ्टर ए लेयर वी हैव चॉइस ऑफ आइदर बी और सी, एंड अगेन, ठीक है, अगेन पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, फिर से पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपने किया तो आपके पास क्या आई, आपने इस तरीके से ए के ऊपर बी को रखा, ठीक है, फिर बी के ऊपर किसको रखा, सी के। तो आपके पास देखो दो टाइप की स्टैकिंग आई, ए बी, ए बी और ए बी सी और ए बी सी। बट हमें क्या पढ़ना है, देखो बहुत सारी, अब लिखोगे सो दे आर इनफाइनाइटली डिफरेंट, सो इन दिस वे, इन दिस वे दे आर इनफाइनाइटली डिफरेंट पैकिंग्स, ठीक है, इनफाइनाइट पैकिंग पॉसिबल। लेकिन जो नेचर प्रीफर करती है वो क्या करती है आपकी, सिर्फ दो, कौन सी, ए बी, ए बी या फिर ए बी सी। देखो ए बी, ए बी से तो बनती है एच सी पी क्लोज, ठीक है, हेक्सागोनल, और ए बी सी और ए बी सी से क्या बनती है आपकी एफ सी सी। तो हमें आगे क्या पढ़नी है, हेक्सागोनल पढ़नी है, तो हम क्या होती है आपकी हेक्सागोनल में ए बी टाइप पैकिंग होती है, ठीक है, आगे समझ में। तो अगर बाई चांस देखो आपको अगर थ्री डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से पेन कॉपी लेकर बैठना और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे वैसे बनाना खुद से, ठीक है, बन जाएगी आराम से। और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मुझे, ठीक है।